फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और उससे पहले मेरा ये सुंदर फ्लावर का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि कल से सावन का शुरुआत होने वाला है, भोलेनाथ का दिन होने वाला है कल से। और देखिए, ये मैं कंपोस्ट रखी थी जो बोरी फट गई है, तो एक में मैं सब्जियां के छिलके रखी थी और एक में देखिए माड़ों की बाँस है, जो कि मुझे काफ़ी परेशान किया है 3 महीने से। तो आज मैं इनको हमेशा के लिए बना देना चाहती हूँ। तो देखिए, 3 टब और मंगाई हूँ मैं सर्फ का, और इसमें होल बना कर लाई हूँ। देखिए, होल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी पौधा लगाने के लिए। और इसमें मैं कॉटन के कपड़े डालूंगी, ताकि जो भी इसमें माइक्रोब्स होंगे वो नीचे नहीं गिरेंगे, या इनकी जूस जो निकलेगी वो इसी में रहेंगी और काफ़ी अच्छे से डिकम्पोस्ट होंगे। तो देखिए, ये सब चीज़ काफ़ी ज़रूरी होता है, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और ये देखिए, 1 हफ्ता पहले बनाई हूँ, उसका रिजल्ट है। देखिए, सब मैं ये सब कंपोस्ट भर के रखी हूँ। ऐसे मेरा पूरा गार्डन ही कंपोस्ट से ही मैं बनाई हूँ। और देखिए, ये 1 महीना पहले जो मॉस रोज खिल रहे हैं वो बनाई हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। उसमें भी बांस और एक कार्टून ये सब मेरे घर के हैं। और सब्जियां के छिलके तो महीने में 1-1 बोरी निकल जाती है फ्रेंड्स, तो मैं अब फेंकना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हालाँकि अब मैं सोच रही हूँ कि अब नहीं बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी बन गए हैं। और देखिए, मेरे जितने भी गार्डन में दिख रहे हैं, सब में मैं सब्जियों को छील के अपने घर के ही चीज़ों से बनाई हूँ। कार्टून, वेजिटेबल, सब काफ़ी अच्छे डिकम्पोस्ट हो गए हैं। और 1 साल के जब हो जाते हैं, मैं उसमें फ्लावर लगा देती हूँ। और आज मैं इसलिए आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे भाई बहन हैं जिनके घर, जिनके टेरिस पे काफ़ी चीज़ें रखी हुई होती है, और उनको मालूम नहीं होती है कि इसका कितना अच्छा यूज हो सकता है। जैसी टूटी हुई टंकियाँ पानी की, बांस रखे हुए होते हैं, पुरानी लकड़ियाँ होती हैं, खिड़की जंगले टूटे हुए रहते हैं, सब एक गार्डनिंग में काफ़ी अच्छा यूज होने वाला है। और आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, मैं काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोग को। जैसे बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ शुद्ध हवाएं नहीं मिलती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काफ़ी उनको दिक्कतें होती हैं, तो उस जगह पर प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे हम लोग हैं तो काफ़ी दिन रात गाड़ियां चलते रहती है, हमारे बच्चे को शुद्ध हवाएं नहीं मिलती हैं। तो मैं इसलिए देखिए ये शुरू की हूँ गार्डनिंग करना, और आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए, इतने अच्छे अच्छे ऑक्सीजन प्लांट लगाने से काफ़ी घर को शुद्धता मिलती है और हमारे फैमिली काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, इसलिए आप लोग को भी लगाना चाहिए। और देखिए, ये जैसे टेरिस पर हम गार्डनिंग करते हैं, तो हम टेरिस को ज़्यादा लोड भी नहीं देना चाहते हैं, तो उस जगह पर आप चाहें तो अपने घर के चीज़ों से कंपोस्ट बना सकते हैं, अपने गार्डनिंग का शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग का शुरुआत नहीं भी करना चाहते हैं, तो आप अपने घर को शुद्ध वातावरण दे सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे देखिए, एक मैं बोरी भर के जो रखी थी, मैं सुबह 2 घंटे से देखिए इसको डाल दी। पहले इसमें मैं सब्जियों के छिलके डाली हूँ, ताकि वो उसमें माइक्रोब्स होते हैं और वो पौधे को डिकम्पोस्ट करने में, कंपोस्ट को डिकम्पोस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और ये देखिए, जितने भी बांस थे मैं उसके ऊपर से डाल दी। और ये देखिए, नर्सरी से जो मिट्टी आई है काफ़ी चिकनी मिट्टी है, तो इस कंपोस्ट में मैं इस मिट्टी को डाल दूंगी। इसके लिए, इसको भुरभुरा बनाने के लिए देखिए, मैं थोड़ा सा सेंड का यूज की हूँ, नीम खली। और आपके पास अगर नीम खली नहीं है, तो आप इसमें 3-4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, एंटी फंगल होता है हल्दी पाउडर, इसी में मिक्स कर देती हूँ, तो काफ़ी अच्छे मेरे कंपोस्ट बन जाते हैं। ऐसे मैं कितना बार आप लोग को दिखाई हूँ, बोरी में भी बना के दिखाई हूँ, फिल्टर में भी बनाकर दिखाई हूँ। अभी भी मैं देखिए, ये टब मैं इसलिए बना रही हूँ कि रेनी सीजन है और काफ़ी अच्छे इसमें बन जाएंगे, और ऊपर हमारे कुछ साग सब्जियाँ भी लग जाएगी। तो सब्जियाँ तो मेरी काफ़ी निकलते रहती है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि आप लोग भी अपने घर को ऐसे अच्छे स्वस्थ बना सकते हैं। और देखिए, जितने भी टेरिस पे लीकेज होती हैं ज़्यादा सामान रखने से, उसको भी आप हटा के आप अपने टूटे हुए खिड़कियों जंगलों को स्टैंड बना सकते हैं, उसके ऊपर अपने टंकियों को रख सकते हैं और हरा हरा सब्जी साग सब लगा सकते हैं। ऐसे भी आपके बच्चे देख के काफ़ी खुश होंगे, ऐसे ऐसे पौधे आप सदाबहार लगा सकते हैं, मेरी गोल्ड लगा सकते हैं, कोई ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं, मॉस रोज लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ते आती हैं और काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं फ्रेंड्स।
तो आज का कंपोस्ट दिखाने का यही रीज़न था। पहले मैं काफ़ी कंपोस्ट दिखाई हूँ और कल से सावन की शुरुआत हो रही है तो मेरे घर का ओनियन गार्लिक बंद हो जाएगा और ओनियन गार्लिक भी मैं इस कंपोस्ट में डालती हूँ ताकि काफ़ी अच्छा फंगिसाइड भी होता है। और आप देखिए गार्डनिंग के शुरुआत में क्या क्या कर सकते हैं कम खर्चे में। देखिए जैसे आपके घर ये लेडी फिंगर आता है, इसको भी आप 2 दिन धूप में रख के इसका भी सीड आप डाल सकते हैं तो ये भी निकल जाएगा। ये गार्लिक सभी के घर आते हैं देखिए, तो इसको भी आप ऐसे लगा रह सकते हैं। ऐसे मैं अभी लगा नहीं रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। ओनियन भी लगा सकते हैं। ये टोमेटो है, इसका सीड आप डाल सकते हैं और 15 दिन में आपके पास पौधे रेडी हो जाएंगे। अदरक है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये कच्चू है, इसको भी लगा सकते हैं। ये देखिए आलू है, इसमें भी स्प्राउट हो रहे हैं तो देखिए इसमें भी लगा सकते हैं। ये बरबट्टी है घर में जो आती है। ये देखिए सनफ्लावर है, इसको भी आप लगा सकते हैं। मेथी है, राई है, सौंफ, कड़ी पत्ता, आप मैं ऑप्शन दे रही हूँ आप लोग को, कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं और एक गमले में भी लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी सेंड काफ़ी भारी भारी गमले हमारे टेरिस पे होती है लेकिन हम उसका यूज सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ये सब काफ़ी यूजफुल होगा। लकड़ियाँ डहनिया को तोड़ के भी आप अपने पॉट में डाल सकते हैं और ऊपर से थोड़े से मिट्टी और सेंड और काउडंग का यूज करके आप अच्छे अच्छे पौधे लगा सकते हैं। मैं काफ़ी बहनों को ऐसे अपने आसपास की बहनों को मेहनत करते देखी हूँ जो काफ़ी मेहनत करती हैं लेकिन वो सही जगह पर नहीं हो पाता है, तो आप चाहें तो इस तरह से अपने गार्डन को बना सकते हैं मेरे तरह। और जिनके घर ये सब करने वाले लोग हैं वो तो काफ़ी चीज़ अलग से व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कहीं से ला सकते हैं। मेरे घर ये सब कोई नहीं करता है तो मैं खुद करती हूँ, तो मुझे नर्सरी से ही लाना पड़ता है। नर्सरी में अभी काफ़ी सस्ते सस्ते पौधे अवेलेबल है, जैसे आप ब्रिंजल लगाना चाहें तो 10 रुपीज़ में आपको 12 पौधे आ जाएंगे। टमाटो लगाना चाहें वो भी 10-10 रुपीज़ के पौधे आते हैं। पहले अपने गार्डनिंग का शुरुआत इन सस्ते पौधे से कीजिए, काफ़ी पौधे ख़राब भी होते हैं, घबराना नहीं होगा, काफ़ी पेशेंस रखना होगा आपको। और देखिए ये शादी की कलश सभी के घर में होती है तो ये मेरे घर भी शादी का कलश है, मैं इसमें कोलियस लगाई हूँ, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सब। इसमें देखिए मैं हिबिस्कस लगाई हूँ, बस एक होल बना के और नीचे कुछ कंपोस्ट भर देती हूँ, जैसे सूखा कंपोस्ट जैसे पत्तियाँ हैं, लकड़ियाँ डहनियाँ हैं, वही सब भरती हूँ। आप इसमें पहले हरा कंपोस्ट डाल के आप पौधा मत लगाइएगा फ्लावर का, नहीं तो फंगस लग सकता है। और देखिए ये सदाबहार तो कहीं भी लग जाते हैं, सभी के घर में सदाबहार होते हैं। अगर इसका कटिंग काट के भी आप लगाते हैं तो अपने टेरिस को काफ़ी हरा भरा बना सकते हैं और आपके बच्चे तो इतना खुश होंगे फ्रेंड्स कि आप देखेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कर कीजिएगा आप, नहीं तो देखिए ये मॉस रोज कहीं भी मिल जाता है, काफ़ी सस्ते सस्ते पौधे हैं और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सारे मेरे कंपोस्ट भरे हुए हैं, अगर मैं कुछ गलत बोलती होंगी तो माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, लेकिन मैं जब बोलती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलती हूँ। देखिए ये सब मेरे कंपोस्ट में सदाबहार लगे हुए हैं, सब नीचे सब्जियों के छिलके भर के लगाई हूँ क्योंकि मेरे घर सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। ये नहीं कि इस सब्जियों से मेरा घर चल जाता है लेकिन काफ़ी हरा भरा दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है। खास करके आप ऑर्गेनिक साग लगाइए, जो जैसे आपके घर में फ़ौरन के लिए राई आती है, मेथी आती है, ये सब काफ़ी यूजफुल होती है और काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको कि हम कुछ उगा सकते हैं। और देखिए मैं भी अभी सब्जियां नहीं लगाई हूँ लेकिन पहले का एक दो ब्रिंजल का प्लांट है मेरा, तो वही सब देखिए इसमें टमाटो निकलने लगे हैं। जो आप सब्जियां डालेंगे वो खुद आपके घर पौधे निकलने लगेंगे। और देखिए ये कंपोस्ट में ही ये मॉस रोज और ये गोरी चोरी लगाई हूँ और 1 महीना पहले का एक कंपोस्ट है, देखिए इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो इससे मुझे बाहर से खाद नहीं खरीदना पड़ता है, बस मैं एक भैया से काउडंग मंगाती हूँ और नीम खली मंगाती हूँ और उसी का यूज करती हूँ और देखिए उसी में ये मेरे इतने सुंदर सुंदर पौधे निकले हैं। हाँ कुछ फ्लावर प्लांट मैं खरीद कर लाती हूँ जिसमें खर्च होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि गार्डनिंग में खर्च नहीं है, काफ़ी मेहनत भी होते हैं, लेकिन आप रोज़ 1 घंटा अपना टाइम निकालेंगे तो आप काफ़ी अच्छा अपने घर को हरा भरा बना सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट से भरपूर। काफ़ी लोग तो कटिंग भी ला के लगा लेते हैं, बहुत जगह ऐसा है जहाँ फ्री में प्लांट भी मिल जाता है लेकिन उनके लिए है जो घूमते हैं। लेकिन देखिए कितना अच्छा अच्छा प्लांट मैं खरीद कर लाई हूँ और अब एक से मैं कितना भी कटिंग बना सकती हूँ और मैं बांट भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए मोगरा एक पौधा मैं लाई थी 2 साल पहले, आज मेरे पास इसका 10 प्लांट हो गया है। और देखिए ये हिबिस्कस कितने अच्छे फ्लावरिंग पर आ गए हैं और अब इसमें रोज़ इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होगा फ्रेंड्स कि
फूल ही फूल दिखेंगे, पौधे कम दिखेंगे। और देखिए 1.5-2 साल लग गए मुझे अपने घर को हरा भरा बनाने में, लेकिन अब मैं कामयाब हो रही हूँ धीरे धीरे। देखिए इधर कच्चू लगाई हूँ, ये मॉर्निंग ग्लोरी खुद से निकली है। कुछ पौधे तो आपको बर्ड लोग भी ला के गिरा देते हैं तो निकल जाता है। और देखिए मोसरू। फ्रेंड्स अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।